हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ मैथ, यानी गणित के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र जो हर एक एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही सही साबित होंगे। तो आप आ चुके हैं बिल्कुल सही वीडियो पर। तो आज बात करने वाले हैं गोली के सभी सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रतिशत के सभी सूत्र परसेंटेज। तो पहले बात करेंगे गोले के सूत्रों के बारे में। सबसे पहला दिया गया गोले का आयतन। गोले का आयतन निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला उपयोग करना होगा, तो वो है 4/3πr³। ये फार्मूला है इसका, गोले का आयतन का। जैसे ही आप इस फार्मूले को लगाओगे तुरंत आपके समक्ष आंसर तुरंत आ जाएगा कुछ ही सेकंडों के बाद। अगला नंबर, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, 4πr² है। जैसे आप 4πr² को अपने सही सही मानों को रखोगे तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तुरंत निकल आएगा। अगला नंबर, गोले के सेल का आयतन। गोले के जो सेल होता है, सेल का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें 4/3π कोष्ट के अंदर r³ - r² का सूत्र उपयोग करना होगा। इसी में अगला नंबर है घन में सबसे बड़े गोले का आयतन, यानी कि जो घन होता है तो घन में सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें 1/6a³ का सूत्र लगाना होगा। a का मतलब होता है भुजा, a का मतलब होता है भुजा, भुजा क्यूब। तो घन में सबसे बड़े गोले का आयतन कैसे निकालोगे, 1/6a³, यानी कि भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, लगातार तीन बार लिखोगे। अगला नंबर है गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जो गोलीय सेल है, गोलाकार सेल, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तब आपको क्या करना है, तो उसमें आपको सूत्र लगाना है 4/3, यानी कि 4/3π के कोष्ट के अंदर r² इंटू लगाना है। इंटू लगाने के बाद फिर r² करना है, यानी पहले कैपिटल फिर स्मॉल, दोनों का मान अलग अलग रखना होगा। चलो अगला नंबर देखते हैं, घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक सूत्र याद कराते हैं, वो πr² मोस्ट इंपॉर्टेंट है। πr² का जैसे ही मान रखोगे, पहले पाई का मान 22/7, फिर इंटू लगाओगे, फिर आर का मान जितना भी होगा उसे दो बार लिखोगे इंटू लगा करके, और आसानी के साथ घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। अगला नंबर, गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा, एक भुजा के बारे में पूछ लिया जाए तो 2r, यानी 2R/√3 की मदद से गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा को आप ज्ञात कर सकते हो। अगला नंबर है अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2πr² का इस्तेमाल करना होगा। यह कक्षा 6 से 12 तक की हर एक किताब में मैथ की देखने को मिलेगा, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलास ऑफ मैथ। उसी प्रकार इसमें लगाओगे 2πr². अगला नंबर पूछ लिया जाए कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है। अगर अर्धगोला का आयतन के बारे में बात की जाए तो 2/3πr³। जैसे ही आप इस फार्मूले को लगाकर सही सही मान लगाओगे तो आपको इसका आंसर खुद में खुद हल होता चला जाएगा। अगला नंबर है अर्धगोला की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि अर्धगोला की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किस फार्मूला यानी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो 3πr² की मदद से हम अर्धगोला की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये रहे हमारे गोले के सभी सूत्र। इन सभी सूत्रों को आप अच्छे से रट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, और पूरे चैप्टर को बिल्कुल पानी की तरह आसानी से लगा दोगे। इसी में अगला नंबर है प्रतिशत के सूत्र, यानी परसेंटेज फार्मूला। ये तो आपको हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ये कोई भी बड़ी एग्जाम्स हो इंटरमीडिएट के बाद गवर्नमेंट सर्विस की, तो हर एक एग्जाम्स में ये प्रतिशत वाले सूत्र तो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो अब और भी आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। सबसे पहले अगर लाभ ज्ञात करना है तो लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। तो लाभ कैसे होगा हमारा, विक्रय मूल्य में जब क्रय मूल्य घटाएंगे तब हमारा लाभ निकल कर आ जाएगा। जब अगर हानि के बारे में पूछ लिया जाए तो हानि के बारे में जब पूछा जाए तो क्रय मूल्य यानी कि खरीदा हुआ सामान में बेचा हुआ सामान घटा देना है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे ही आप करोगे तो ऐसे ही हानि निकल कर पूरी टोटल आ जाएगी।
इसी में अगला नंबर है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, लाभ क्रय मूल्य के साथ इंटू लगाकर 100 का गुणा कर देना है, यानी कि जितना लाभ हुआ हो तो उसको ली हुई सामान पर 100 का गुणा कराओगे और लाभ परसेंटेज में निकल कर आसानी के साथ आ जाएगा। अगर हानि परसेंटेज पूछ लिया जाए कि कितने परसेंट की हमें हानि हुई है, तो हानि क्रय मूल्य में क्या करना है कि आपको केवल 100 का ही गुणा इसमें करा देना है, तो ये इसकी जो हानि होगी वो हानि परसेंटेज में निकल कर आ जाएगी। अगर बात कर लीजिए विक्रय मूल्य ज्ञात कैसे करेंगे लाभ वाला, तो क्रय मूल्य यानी कि ली हुई सामान को लाभ परसेंटेज वाले परसेंटेज में जोड़ देंगे। जैसे ही आप क्रय मूल्य को लाभ के साथ जोड़ोगे तो विक्रय मूल्य यानी कि बेचा हुआ सामान पूरा निकल आएगा। अगर विक्रय मूल्य पूछ लिया जाए हानि वाला, हानि वाला जब पूछ लिया जाए तो क्रय मूल्य में माइनस करना है हानि, यानी कि जो नुकसान हुआ उसको इसमें घटा देना है, तो वो आपका विक्रय मूल्य हानि वाला आ जाएगा। अगर बात की जाए कि क्रय मूल्य लाभ वाला कैसे पता करेंगे, तो विक्रय मूल्य में क्या करना है यानी कि बेचे हुए सामान में लाभ को माइनस कर देना है, तो क्रय मूल्य आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। अब बात कर लिया जाए कि क्रय मूल्य हानि वाला जब पूछ लिया जाए, तो विक्रय मूल्य में क्या करना है कि आपको हानि यानी जितना भी नुकसान हुई है जिस चीज़ की आपको, उसको आपस में जोड़ देना है, यानी कि क्रय मूल्य इक्वल विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो आपका क्रय मूल्य हानि वाला निकल कर आ जाएगा। अगला नंबर है लाभ बराबर लाभ परसेंटेज, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमको क्या करना है कि लाभ बराबर लाभ परसेंटेज अपान यानी कि लगाना है, और उसके बाद 100 प्लस लाभ यानी कि 100 के साथ जितना लाभ हुआ हो आपको परसेंटेज वाला, उसको आपस में ऐड करना है यानी कि जोड़ कर देना है, और जोड़ करने के बाद जितना आपका विक्रय मूल्य हो उसमें आपको गुणा कर देना है। जैसे ही आप गुणा करोगे तो पूरा आंसर आसानी के साथ निकल आएगा। अगला नंबर है हानि, अगर हानि के बारे में पूछ लिया जाए हानि परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब वो क्या करना है कि इसमें प्लस था तो इसमें 100 माइनस हानि कर देना है, जैसे यहाँ पर 100 प्लस लाभ था यहाँ पर 100 माइनस हानि कर देना है, और इंटू लगाकर फिर वही विक्रय मूल्य लिख देना है, और आपके सामने हानि प्रतिशत जितने भी होगी वो आपको जानने में आ जाएगी। तो आप लोगों के समझ ये रहे प्रतिशत के सूत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हर एक एग्जाम्स के लिए, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो आप सभी लोग तो उन सभी के लिए है, और ये भी सूत्र ये तो 6 से 12 तक के हर एक बच्चे के लिए है जो मैथ की तैयारी को बेटर बनाना चाहते हैं, तो उसी के बारे में आज हमने चर्चा की। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो और जीरो से हीरो तक बनने में हमारी मदद करो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।